अवनी, ओह डोंट वरी इट्स ओके। अवनी, पायल तुम्हारे घर वालों को बहुत पसंद आई। वैसे अवनी, तुम्हें पायल कैसी लगी? मुझे हा? कैसी भी लगे उससे क्या फर्क पड़ता है राज, जब तुमने गर्लफ्रेंड बनाने के टाइम में सवाल नहीं किया तो अब क्यों कर रही हो? तो अभी उसी बात पे गुस्सा हो? ओ बाय द वे, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। भावना आंटी ने कहा है कि अब सावरी बहू को हमारी दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं कभी भी तुम्हारे घर में आ जा सकता हूँ, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम। बाबू चले, बहुत देर हो गई है। चलो। लेकिन तुम लोग अभी आए हो ना, इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? वो एक्चुअली ना मेरे लिए हॉस्टल सर्च करने जाना है। व्हाट हॉस्टल? नो पायल, तुम इसी हॉस्टल में नहीं रहोगी, तो मेरे साथ मेरे घर में रहने वाली हो। ओके तुम्हारे घर? नो राज। क्यों, तो मेरे घर रहने में कोई प्रॉब्लम है क्या पायल? जीजू और जीजू से मैं बात कर लूंगा, ठीक है ना? मैं अपनी राज, पायल तुम्हारे घर में कैसे रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती, समर तुम्हारे घर में रहता है ना, वैसे पायल भी रह लेगी। देखो अपनी, अगर पायल मेरे घर में रहेगी तो उसी के लिए बेटर है, जीजू जीजू से अच्छे से जान पाएंगे ना। बाबू तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक ही घर में रहेंगे और तुम हर वक्त मेरे सामने रहोगे। रात भर हम मूवी देखा करेंगे और मैं तुम्हारी फेवरेट भुजिया सैंडविच बनाऊंगी। अवनी यू नो व्हाट, दुनिया में ऐसे दो ही लोग हैं जो सैंडविच में वेजिटेबल के बदले भुजिया डालकर खाना पसंद करते हैं, मैं और राज। आई लव आलू भुजिया सैंडविच। अच्छा, ये मेरी भी फेवरेट है। है ना माय बनी रैबिट। चले राज, पाई बोले बिना जा रहे हो? ओह आई एम सो सॉरी अवनी, वो कह रहा है उससे पायल आई है, मेरा ध्यान सिर्फ इसी पे ही रहता है। बाय, चले बेबी कम। ओह गॉड आई एम सो हैप्पी, फाइनली हां तुम्हारा आइडिया काम कर गया। एक बार बताओ जी, जी पायल को देख के अवनी का रिएक्शन देखने के बाद ना मुझे एक उम्मीद मिली है कि अवनी के दिल में मेरे लिए कुछ तो फीलिंग्स है। अगर आपके अवनी ने ऐसे रिएक्ट किया साले साहब, तो समझ जाओ तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। अवनी का फोन बस आते होगा। क्या बात है जीशु, अवनी का फोन पर कहा था ना मैंने यार। वेट, बिल्कुल भी नहीं। अरे इतना इंतजार किया है तूने, थोड़ा उसको भी वेट कर दे। ओए सही कह रही सोनियो, यार बजने दे घंटी यार। ये राज भी ना, कब से उसे कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे यार प्लीज उठा दो ना फोन, कहीं नाराज ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, चुपचाप खड़ा रहे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? जरूर उस पायल के साथ बिजी होगा। ठीक, अब मैं भी कॉल ही करूंगी। उसके लैंडलाइन पे कॉल करके देखती हूँ। अरे यार तेरी कितना परेशान हो रही है, लैंडलाइन पे ट्राई कर रही है। मैं फोन उठा रहा हूँ। तो रुक, बिल्कुल इधर ही खड़ा रहेगा, चुपचाप मैं उठाती हूँ फोन। प्लीज जीजी, सब मत करो यार। हेलो, हेलो जीजी, जीजी राज कहाँ है? मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, वो मेरा फोन ही उठा रहा है। राज, राज कहाँ अब किसी का फोन उठाएगा? उसकी पायल जो आई है जयपुर में ना, इसीलिए वो हमारा गेस्ट रूम है ना, का बेड बड़ा ही अनकंफर्टेबल है, इसीलिए पायल वहाँ पे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। इसीलिए ना अब राज ने खुद डिसाइड किया कि पायल ना अब से राज के ही रूम में रहेगी। और राज इस वक्त तो पायल के लिए ना अपना रूम सेट कर रहा है। क्या पायल राज के कमरे में सोएगी? हाँ, अब राज ने डिसाइड किया है तो वही होगा ना। अच्छा राज से बात करनी है तुम्हें? हाँ अच्छा लो आ गया वो। हाँ लो बात करो। स्टोरी चेंज मत करो। हाँ अवनी। राज, पायल तुम्हारे कमरे में सोएगी तो तुम कहाँ सोओगे? नहीं नहीं, मैं नीचे हॉल में सोने वाला हूँ। पायल के लिए मैं अपना बेड अच्छे से सेट कर रहा था। वाओ बाबू, तुमने मेरे लिए बेड बनाया, सो स्वीट। अच्छा अभी तुमने कॉल किया था क्या? अरे हाँ, तीन मिस कॉल है, कोई जरूरी बात करनी थी? वो एक्चुअली राज, राज मैं भूल गई, तुम बात करते रहो ना, बात करते करते अपने आप याद आ जाएगी। नहीं अवनी, अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास। पायल आई है ना, उसने मूवी नाइट प्लान किया है, बेचारी मेरा वेट कर रही होगी। ठीक है, तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम्हें बाद में लगी तो मुझे कॉल कर देना। ओके बाय अवनी। ओए साले साहब, ओए गुड जॉब यार, गुड जॉब। बेचारी अवनी कितनी बेचैन हो रही होगी ना,
कितने फोन कर दिए उसने। आई एम श्योर अब तक तो उसे भी पता चल गया होगा कि उसके दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ कुछ होता है। वो ही तो समझ रहा है अमनी को कि जो कुछ उसके दिल में इस वक्त हो रहा है एक्चुअली वो उसका प्यार है। डोंट वरी पापा, मैं कुंडली का प्रिंट निकलवा कर शास्त्री जी को दे दूंगा, ठीक है? चलिए रखता हूँ। हाय। हाय समर। क्या हुआ? आपकी आंखें देखकर ऐसा लगता है कि आप रात भर सोई नहीं। पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। अच्छा आज आपका कहीं बाहर जाने का प्लान है? नहीं, क्यों? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आप, मैं, राज और पायल कहीं बाहर घूमने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। अपनी उन दोनों का कितना क्यूट कपल है, उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। राज ये फाइल मुझे दे दो। यस सर। मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, रास्ते में देख लूंगा और अगर साइट पे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हें फोन करके बुला लूंगा। हाय। अभी कोई काम नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली फ्री। बोलो तुम्हें कहाँ घूमने जाना है या फिर शाम के लिए कुछ स्पेशल प्लान करें? वाओ, मेरा बॉयफ्रेंड जितना हार्ड वर्किंग है उतना ही रोमांटिक भी है। आई एम सो लकी। हाय अवनी। हाय राज, तुम पापा के काम के लिए आए थे ना, इतना सुबह सुबह पायल को डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी? अवनी, राज यहाँ आ रहा था तो मैंने सोचा मैं घर पे राज के बिना क्या करूंगी, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आ गई। वैसे मैं सबके लिए गिफ्ट्स लाई हूँ होम टाउन से, वो भी देने थे। Oh my God, पायल, you're so sweet. तुम कितना ध्यान रखती हो। भाभी, आप और भैया होटल कब जा रहे हो? अभी कहाँ साबी, पर सोच के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे हमारे बारे में इतना सोचते हैं। कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं हमें गिफ्ट देने का। क्या किसी ने अभी गिफ्ट का नाम लिया? पायला सबके लिए कुछ लाई है। हाँ? अरे इसकी क्या जरूरत थी पाय? आंटी ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। और बुआ जी ये आपके लिए। राज को तो ये लड्डू बहुत पसंद है, पर उसके लिए मैं भर भर के लाई हूँ, आप लोग खाइए। अवनी तुम भी लो ना। लो ना अवनी प्लीज। नहीं मेरा मन नहीं है, मैं आप लोग के लिए चाय लेके आती हूँ। अरे अवनी तुम्हारे फ्रेंड्स आए, तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे बैठो ना। कम। वैसे पायल जितने प्यारे ये झुमके है ना उतनी प्यारी तुम खुद हो। बुआ जी जितनी खूबसूरत पायल है ना उससे भी खूबसूरत उसका दिल है। वाह राज, हमें नहीं पता था तुम इतने रोमांटिक हो। देखो कैसे ब्लश कर रहा है तुम्हारा फ्रेंड अवनी, मैंने तो कभी किसी भी लड़के को इतना ब्लश करते हुए नहीं देखा। अच्छा चलो तुम लोग दोनों ये बताओ कि तुम दोनों आखिर मिलेगा। बुआ जी हमारी स्टोरी तो हम सैम और अवनी को पहले ही बता चुके हैं, पर बात आगे तब बढ़ी जब हमने सालसा क्लास ज्वाइन किया। वाओ रियली, तुम लोग दोनों ने एक साथ सालसा भी सीखा हुआ है? हाँ बुआ सा, सालसा सीखते हम कभी दूसरे के करीब आ गए पता ही नहीं चला। पता है मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं और प्रताप जी भी ना साथ में सालसा सीखे, पर प्रताप जी तो प्रताप जी है, मेरा सालसा सीखने का सपना सपना ही रह गया। अच्छा एक काम करो, तुम लोग दोनों हमें एक अच्छे से स्टेप करके दिखाओ सालसा का। बुआ सा यह जगह का डांस करने की? अरे महल जैसा घर है तो जगह की बढ़िया, चलो चलो करके दिखाओ, डोंट फील शाय। ठीक है कम यहाँ पे आ जाओ। अवनी तो म्यूजिक प्ले करोगी, तीसरा गाना प्लीज। लो ना। Thank you. Ready, Payal? Play. ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado?
He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente. भाई तुम जो कर रहे हो वो साल्सा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे मजा बहुत आ रहा है। कंटिन्यू। ना मैं समझा, ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेनोरिटा। और कर क्या रही हो तुम? सब भूल गई? कितना अच्छा डांस कर रहे ना? मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेनियर। भाभी क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें राज और पायल का डांस अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, अच्छा था, लेकिन राज को पहले कभी किसी और के साथ ऐसे डांस करते हुए नहीं देखा ना, इसलिए थोड़ा अजीब लगा। वैसे पायल अच्छा डांस कर लेती है, लेकिन भाभी जब मैं और राज डांस करते हैं ना तो। अवनी तुमने साबिबो को देखा? वो दो दिन में पायल की इतनी बड़ी फैन हो गई है। उसके लुक्स, उसके कपड़े, उसके ज्वेलरी, उसका डांस, सब कुछ बहुत पसंद आ रहा है उन्हें। सच में अर्पिता, आई एम सो लकी मुझे पायल जैसी गर्लफ्रेंड मिली है। पायल खूबसूरत है, मॉडर्न है, डाउन टू अर्थ है, एंड द बेस्ट पार्ट फैमिली का भी अच्छे से ध्यान रखती है। शी इज जस्ट सो परफेक्ट ना अवनी। और वो तुम्हारा भी तो कितना ख्याल रखती है। हाँ। मुझे बता रही थी जब तुम्हें बुखार हुआ था तो दिन रात तुम्हारे पास ही बैठी रही और तुम्हारे सर पर पट्टी लगाती रही। हाँ तुम्हें पता है जब तक बुखार उतर नहीं गया ना वो वहां से हिली भी नहीं। अवनी तुम्हें क्या लगता है मुझे पायल से पूछना चाहिए? क्या क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मैं पायल से पूछ लूं? हाँ राज, मुझे लगता है बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए तुम्हें। देखो ना अवनी ने समाज को कैसे फट से हाँ कर दी। एग्जैक्टली अवनी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, बोलो ना मैं पायल से शादी की बात कर लूं। माँ ने मुझे कुछ काम दिया था मैं भूल गई। अरे अवनी, अवनी के दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है ना उसे वो परेशान कर रहा है। बस अब उसका परेशान दिल ही उसे बताएगा उसका प्यार मैं हूं, समर्थ नहीं। ये देखो पायल है ना सुंदर, ये दुपट्टा ना समर्थ ने जयपुर के सबसे बड़े पहलवान को हरा कर जीता है हमारी अवनी के लिए। बहुत अच्छा है हमारा समर्थ, पर मेरे राज से थोड़ा कम। बुरा मत माना अपनी, मैं थोड़ी बायस हूँ। अरे लड़कों की तारीफ करना छोड़ो, मैं तो कहती हूँ कि राज और समर्थ बहुत लकी हैं, जो उन्हें तुम दोनों जैसी अच्छी लड़कियाँ मिली। हाँ बुआ सा, मैं तो बहुत ज्यादा ही लकी हूँ कि मुझे पाल जैसी लड़की मिली है। चले पाल? चलो एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वाशली बुआ सा, पाल को डालिन खाना बहुत पसंद है तो मैं सोचा इसी किसी रोमांटिक रेस्टोरेंट में लेके जाऊं बिना के लिए। अवनी तुमको सजेस्ट करो ना मुझे। बाबू हाँ? क्यों ना हम सैम और अवनी को भी अपने साथ डिनर पे ले जाएं? ग्रेट आइडिया। अवनी तुम हमारे साथ चलोगी ना? नहीं मेरा मन नहीं है। अरे क्या नहीं, तू किस सारे घर पे बैठी रहेगी? अब राज और पायल इतने प्यार से कह रहे तो तुझे और समर्थ को भी जाना चाहिए ना उनके साथ। चल ही जाना। चलो भाई फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे जाओ जाओ, तुम्हारा ही प्लान बन रहा है। कहाँ जाने की बातें हो रही? पाल चाहती कि हम चारों डिनर पे जाए, लाइक डबल डेट, पर अवनी मना कर रही है। डबल डेट? क्या बात है, मैं भी यही सोच रहा था। अवनी चलिए ना प्लीज। ठीक है। फैंटास्टिक, क्या पास में एक रेस्टोरेंट है पाल, इट्स ब्यूटीफुल, यू गोना लव इट। बाबू तुम मेरे साथ होते तो कोई भी जगह ब्यूटीफुल हो जाती है। अच्छा राज तुम एक काम करो, उस रेस्टोरेंट का एड्रेस मुझे मैसेज करो। एक्चुअली मुझे कुछ काम है, मैं जैसे ही वहां से फ्री होता हूँ मैं डायरेक्ट तुम्हें रेस्टोरेंट में मिलता हूँ। ठीक है डन। लेट्स गो बेबी, तुम्हें घर जाके रेडी भी होना है ना।
मुझे समझ में नहीं आता तू तो मेकअप क्यों करती हो। यू आर सो ब्यूटीफुल विदाउट मेकअप। जब तुम ब्लू ड्रेस पहनती हो ना फ्लास वाला, माय गॉड उसे तुम परी लगती हो। जब मैं तुम्हें पहली बार उस ड्रेस में देखा ना तो देखता ही रह गया। तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरी बोलती ही बंद हो गई। अच्छा तो आज मैं वही ड्रेस पहनूंगी तुम्हारे लिए। हाउ स्वीट। ये लीजिए शास्त्री जी, ये रही कुंडली। जी दोनों कुंडलियां मिलाकर मैं शाम को वापस पहुंचा दूंगा। जी राज यहां? जी राज अवनी का दोस्त है। जी जानता हूं मैं, पर मुझे लगा था पिछले महीने जो कुछ भी हुआ उससे नाराज होकर राज ने यहां आना जाना बंद कर दिया हो। सच बड़ा ही नेक दिल का लड़का है राज। शास्त्री जी ऐसा क्या हुआ था पिछले महीने? बात ये थी कि सुकेत जी चाहते थे कि मैं अवनी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढूं, और उन्हीं दिनों राज के जीजाजी ने मुझसे अवनी के लिए राज के रिश्ते की बात चलाने के लिए कहा। लेकिन जब तक मैं प्रस्ताव रखता सुकेत जी ने अवनी का रिश्ता तय कर लिया था, तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। राज देखिए बीती बातें भुलाकर राज आज भी अवनी का अच्छा दोस्त है। राज का रिश्ता अवनी के लिए है। शास्त्री जी आपको पक्का यकीन है जिस लड़के के रिश्ते की आप बात कर रहे हैं वो यही राज है? हाँ बेटे तभी तो ये बातें मैं तुमसे कर रहा हूँ, अपने मन की बात थोड़ी बता रहा हूँ। अरे राज की कुंडली मेरे पास थी और मैं प्रस्ताव सुकेत जी के सामने रखने ही वाला था। और खैर छोड़ो इन बातों को, अब इन बातों का क्या फायदा। अच्छा बेटे आज्ञा दो मैं चलूं, मुझे देर हो रही। राधे राधे। समझ में नहीं आ रहा ये राज जब से आया पायल की बातें कर रहा है, पायल की ड्रेस, पायल का प्रोजेक्ट, पायल का ये, पायल का वो, पायल 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 पायल। मैं तो परेशान हो गई हूँ। वो उसे ऐसा कभी नहीं किया आज तक देविका। पता नहीं समझ में नहीं आ रहा देविका की क्या। आंखें खोलो अपनी, you're safe now. क्या हुआ ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अगर गिर जाती तो? मुझे कुछ भी हो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है राज? ऐसा क्यों कह रही हो अवनी? कुछ नहीं तुम नहीं समझोगे। आप लोग बिजी हो क्या? नहीं नहीं कुछ काम था क्या? नहीं यार काम तो कुछ नहीं था लेकिन ऐसे जस्ट बातें करनी थी तुमसे। हाँ हाँ बैठो ना सर, कम सिट। और बताओ शूटिंग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही, थैंक गॉड कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, सबको चैनल कर लेती। आज भी तो शूट था लेकिन वो शास्त्री जी आ गए मेरी और अवनी की कुंडलियाँ लेने के लिए। अच्छा अच्छा कोई डेट फिक्स हुई क्या? अभी कहाँ, अभी तो कुंडलियाँ मिलना बाकी। तुम्हें पता है आज शास्त्री जी ने बहुत फनी बात की। वो कह रहे थे कि वो सुकेत अंकल के पास तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे, तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे अवनी के लिए। अवनी के लिए व्हाट? मेरा रिश्ता अवनी के लिए? ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मैं सोच रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? गॉड या मेरे जीजी और जीजू है ना, ये सब उनका ही काम है, मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। राज शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली क्या है ना उस वक्त उन्हें पाल के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए काम शास्त्री जी को दे दिया कि पूरी जयपुर में मेरी कुंडली दिखा दे, किसी से तो मैच हो जाएगी। बट दे आर क्रेजी यार, यू डोंट वरी पाल आ गई है ना अब सब ठीक हो जाएगा। ओके एनीवे मैं चलता हूँ, पाल मेरा वेट कर रही है ना, बाय, शाम को मिलते हैं।
मटरी, आई लव मटरीज। तुम्हारे आने से अवनी पर काफी असर हो रहा है। आई होप कि राज की लव स्टोरी का जल्दी से हैप्पी एंडिंग हो जाए। तो मम्मी जी आ रही है। पता है मम्मी जी हमेशा अपने हाथ से मटरी बनाती है, उनकी ट्रेडमार्क रेसिपी है, हर बार एक जैसी बिल्कुल टेस्टी बनती है। अर्पिता इसे इतनी पसंद है तो इसे पैक करके दे दो। आंटी आपकी ट्रेडमार्क मटरी का राज मुझे पता चल गया। क्या? आप भी मटरी में जीरा का तड़का लगाते हो ना? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मेरी मम्मी भी जीरा का तड़का लगाती है, उमद गांव की तो स्पेशलिटी है ये। तुम उमद गांव की हो? हाँ आंटी। आंटी आपको देखकर ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। हम तो पहली बार मिले, मुझे मुझे कहाँ देखा होगा? तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी? हाँ याद आया, मैंने आपको हमारी फैमिली एल्बम में देखा है, सुषमा मासी के शादी के एल्बम में।